एक्सक्लूड करना होता है कि कौन से पेशेंट्स हमारे क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं और कौन से पेशेंट्स हैं जिसको हमने और तरीका इलाज एडवाइस करना है. सो डेफिनेटली देर आर सम क्राइटेरियाज सेट फॉर दिस और उसके मुताबिक ही हम अपनी पेशेंट सिलेक्शन करते हैं. तो डॉक्टर साहब, जो मरीज लाइपोसेक्शन के लिए बेस्ट कैंडिडेट नहीं होते, उनके लिए कोई अल्टरनेट भी सर्जरी होती है? यस, उसके लिए अल्टरनेट सर्जरी ये है, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं. कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पेट की स्किन भी ढलक गई है और इजाफी चर्बी भी है, हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है और हम जो हैं वो लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं. सो उनको हमने गाइड इसके मुताबिक करना होता है कि अगर तो हमारी सारी असेसमेंट के मुताबिक वो फिट हैं फॉर सर्जरी, सो वो ऐसा कैंडिडेट है जिसमें शायद हम फैट निकालने के बजाय हम उनकी एब्डोमिनोप्लास्टी एडवाइस करें, ताकि जो उनकी ढलकी हुई स्किन है और जो लूज मसल्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं, उनको हम एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू उनको बेहतर तरीके से डील कर सकें. सो डेफिनेटली जो आपका ट्रीटिंग कंसल्टेंट है वो आपको बेस्ट ऑप्शन एडवाइस ज़रूर करेगा, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने सर्जरी से पहले डिस्कशन में पूछनी है, द बेस्ट वे एंड द बेस्ट मोडेलिटी फॉर योर कंसर्न्स. सो डेफिनेटली जो पेशेंट्स क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, हम उनको एडवाइस कर देते हैं वो प्रोसीजर जो उनके लिए बेस्ट है. तो डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर के, क्या उनकी भी ये सर्जरी की जा सकती है? इसमें चीज़ें हैं कि जैसे हेल्थ फैक्टर्स की बात हो रही है, डायबिटीज़ का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे ख्याल में ये होता है कि इट विल बी अ 70 ईयर ओल्ड मेल, ऐसा नहीं है, जिसके ढेर सारे मसले मसाइल होंगे. अगर डायबिटीज़ इन अ यंग पेशेंट और वो बड़ी अच्छी, उन्होंने अपना ग्लाइसीमिक कंट्रोल किया हुआ है, गुड एक्सरसाइज, अपना वेट बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, एंड दैट पेशेंट कम्स टू अस, डेफिनेटली वी कैन हेल्प इन ट्रीटिंग दैट पेशेंट अगर उनका कोई भी कंसर्न है. सो इट्स लाइक कस्टम मेड एवरी पेशेंट. हम कोई भी रूल ऐसा सेट कर नहीं सकते जिसमें हम ये कहें कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ में हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ में हम लाइपोसक्शन नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ प्रोसीजर जिसमें हमने कस्टम मेड ट्रीटमेंट प्लान देना होता है. सो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके हेल्थ इशूज़, उनके सारी हिस्ट्री, उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान होता है, हम उन्हें वो एडवाइस कर देते हैं.